हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अगर आप एक अच्छा सा बढ़िया सा ऑक्सीमीटर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और नहीं भी ढूंढ रहे तो फिर भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आपके डेली लाइफ की यूजेस में आने वाला है। क्योंकि हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, जो थोड़ा बहुत हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने के लिए ट्राई करेंगे। और गाइस, ऑक्सीमीटर का क्या क्या काम होता है हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट शुरू करते हैं। ये रहा हमारा ऑक्सीमीटर एक छोटे से बॉक्स के अंदर। यहाँ पे ऊपर पर ब्रांडिंग किया गया है माइक्रोटेक का पल्स ऑक्सीमीटर, और नीचे की तरफ भी इनका कुछ ऑक्सीमीटर का ब्रांडिंग वगैरह दिया गया है। और लेफ्ट साइड में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, नीचे हमें कुछ इसका सीरियल नंबर वगैरह हमें देखने को मिलता है। और इसका जो मेन थिंग यहाँ पर, इसका प्राइस 1999 दिया गया है, बट गाइस इसके बहुत कम दामों में हमने इसको परचेस किया है, वीडियो में हम आगे बताएंगे। तो फटाफट इसका हम क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। गाइस, ओपन करते ही हमें हमारा मेन ऑक्सीमीटर का डिवाइस देखने को मिलता है। इसको ओपन करते हैं नीचे हम। गाइस, इस चीज़ का एक्चुअल में हिंदी में, प्योर हिंदी भाषा में इसको क्या बोलते हैं इसको बताना, मैं बस अभी इसको इसका होल्डर ऐसे ही बता रहा हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, इसके अंदर सारे इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, सारे गाइडनेस आपको मिलेगा जो हमें नहीं चाहिए। और ये रहा हमारा मेन डिवाइस, इसके ऊपर ये चिपका हुआ था, जो आते ही मैंने इसको ऊपर से रिमूव कर दिया था। और इसका कुछ ओवरव्यू देख लीजिए, हमें कुछ इस प्रकार का देखने मिलता है। ऊपर हमें बड़ा सा माइक्रोटेक टेक्नोलॉजी वी लिव इनका ब्रांडिंग देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, नीचे की तरफ हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। नीचे हमें बैटरी भी ऐड करना पड़ता है, जो इसके साथ बैटरी नहीं दिया जाता है, हमने ऑलरेडी इसके अंदर खुद से परचेस करके इसके अंदर फिट किया है। और इस साइड में देखिए कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आपका उंगली जाएगा, उसके बाद सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट स्क्रीन को हम सेटअप करते हैं। तो गाइस, आपको मेनली बता देता हूँ ऑक्सीमीटर का क्या काम होता है। ऑक्सीमीटर का मेनली काम होता है हार्ट रेट ट्रैक करना, मॉनिटर करना, और हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन लेवल का मतलब मॉनिटर करना, हमारे ब्लड के अंदर हमें कितना ऑक्सीजन देखने को मिलता है। बेसिकली ये दो चीज़ के लिए ऑक्सीमीटर काम करता है, हार्ट रेट मॉनिटर करता है और SpO2 हमें लेवल कितना शो करता है। तो इसके एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए हमारे पास और एक डिवाइस है ओमरन के तरफ से, और हमारे पास घड़ी भी है जो आजकल का नया टेक्नोलॉजी वाला, जिसके अंदर भी हमें SpO2 आराम से देखने को मिलता है, और हार्ट रेट मॉनिटर भी ट्रैक कर सकती है इन स्मार्ट वॉच में। तो हमें इसका एक्यूरेसी चेक करने के लिए और दो तीन डिवाइस है, इनसे भी हम चेक करेंगे, घड़ी और इस डिवाइस से करेंगे, तब पता चल जाएगा कि इसका एक्यूरेसी कैसा है। तो फटाफट इसका हमें सब कुछ टेस्ट शुरू करते हैं। तो गाइस, इसका हम एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए ऑक्सीमीटर को हमने इंडेक्स फिंगर पे फिट कर दिया, और हमारा घड़ी भी इधर पे फिट कर दिया। तो इस पर ऑलरेडी चलना शुरू हो चुका है। इसका जो SpO2 लेवल हमें 9998 देखने को मिलता है, और इसका 69 का BPM हमें देखने को मिल रहा है। और इसका हम अभी शुरू करते हैं। तो गाइस, घड़ी का 75 और ऑक्सीमीटर में आप चेक कर सकते हो, 74 75 75, एकदम एक्यूरेट शो कर रहा है। बट एक गाइस बताओ तो थोड़ा एक्यूरेट ज़्यादा शो करेगा हमारा ऑक्सीमीटर में, क्योंकि ये इस डिवाइस इस काम के लिए बना है। बट फिर भी दोनों का एकदम जो रीडिंग आया है, दोनों 75 75 एकदम एग्जैक्ट टाइम में हमें देखने को मिलता है। अभी हम इस डिवाइस के साथ इसको चेक करेंगे। तो गाइस, हमने इस डिवाइस को भी यहाँ पर फिट कर दिया है। बेसिकली इस डिवाइस का काम है ब्लड प्रेशर चेक करना, बट इसके अंदर पल्स मॉनिटर का भी सिस्टम आता है, जो हार्ट रेट मॉनिटर का, और इसको भी हमने यहाँ पे इंडेक्स फिंगर पे इसको भी फिट कर दिया। और इसको हम अभी ओपन करते हैं, तो दोनों का एक्यूरेसी एक साथ हम देखेंगे कितना आता है। तो गाइस, एकदम एक्यूरेट शो कर रहा है, 68 यहाँ पर भी 68 था, अभी 66 हो गया है। तो दोनों का रीडिंग हम एग्जैक्टली सेम कह सकते हैं, तो हमारा ऑक्सीमीटर एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। तो देखिए, रीडिंग ऑलमोस्ट दोनों एक टाइम में सेम ही आ रहा था। अब दोनों का फटाफट हम SpO2 भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ऑक्सीमीटर में फिलहाल 98 का हमें SpO2 लेवल शो कर रहा है, और इसका मेजरमेंट भी ले रहा है। देखते हैं दोनों का कितना रीडिंग आता है, आई होप सेम ही आएगा। तो गाइस, ऑक्सीमीटर में देखिए 97 99 98, एक ऑलमोस्ट आप सेम ही कह सकते हो। तो हमें ज़्यादा एक्यूरेट हम ऑक्सीमीटर का मान सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीमीटर में जो रीडिंग पहले से शो कर रहा है वही कर रहा है, बट इसका मेजरमेंट थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है। बट गाइस, एक्चुअली हम स्मार्ट वॉच का जो मतलब एक्यूरेसी हो आपको करेक्ट नहीं बोल सकते। अभी देखिए दोनों का एकदम रीडिंग सेम आ रहा है, 98 98। तो ऑक्सीमीटर का जो रीडिंग होगा वो ज़्यादा परफेक्ट होगा
स्मार्ट वॉच थे, बट अभी दोनों का सेम रीडिंग हमें देखने को मिल रहा है 98 98। तो गाइस दोनों का एक्यूरेसी दोनों सेम ही कह सकते हैं ऑलमोस्ट। तो गाइस जो मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हो तो आपका रीडिंग कितना आना चाहिए। तो गाइस नॉर्मल सी बात है, ये एज के हिसाब से सारे रीडिंग चेंजेस वगैरह होता रहता है। अगर आपका एज 18 से 25 के अंदर है और आपका हार्ट रेट 56 टू 61 आ रहा है तो आप एक्सेलेंट में आ रहे हो, या फिर 62 से 65 में आ रहा है तो आप ग्रेट में आ रहे हो, या फिर 66 से 69 के अंदर आपका हार्ट रेट आ रहा है रीडिंग तो आप गुड में आ रहे हो, या फिर 70 से 73 के अंदर आ रहे हो तो आप एवरेज में आ रहे हो, और 74 से 81 के अंदर आपका हार्ट रेट रीडिंग आ रहा है तो आप बिलो एवरेज आ रहे हो, और 82 प्लस आ रहा है तो आपका बहुत पोर है, आपको मेडिकल चेकअप वगैरह कराना चाहिए। और गाइस ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो पोस्ट करके भी ये चार्ट आप देख सकते हो। और SpO2 के बारे में बात करूँ तो नॉर्मल इंसान का 96 से ऊपर होना चाहिए, या फिर एक्सेप्टेबल है 95 के नीचे एक इंसान का होना ही नहीं चाहिए। अगर आपका SpO2 लेवल 92% के नीचे आ रहा है तो आपको फटाफट से मेडिकल चेकअप वगैरह करवाना चाहिए और मेडिसिन लेना चाहिए। तो ये रहा ये चार्ट, आप चेक कर सकते हो खुद से भी। तो गाइस ये जो पार्टिकुलर माइक्रोटेक का ऑक्सीमीटर है, इसको हमने पूरी तरीके से टेस्ट किया है 2-3 डिवाइस से, तो ये परफेक्टली इसके वर्क कर रहा है। एक्यूरेसी तीनों डिवाइस में सेम आ रहा है, रीडिंग हमें सेम देखने को मिलता है। तो नो डाउट मैं बता सकता हूँ इसका जो रीडिंग है वो काफ़ी एक्यूरेट शो कर रहा है। और गाइस ऑक्सीमीटर का प्राइस भी काफ़ी हाई होता है, बेसिकली मैंने देखा है एक ऑक्सीमीटर में 2000 या फिर 1500 खर्चा करने का कोई मतलब जरूरी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसका जो प्राइस है इसका काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। इसको मैंने ओनली 500 रुपीज से परचेस किया है। अगर आपको ये पार्टिकुलर ऑक्सीमीटर खरीदना तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे, वहाँ से भी डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी सवाल अगर आपके पास है तो कमेंट पर डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।